रेन पे बिहुला पिकडं पाया तुन आलं तरी ह्यांना म्हणूस लागतो ध्यान ठेवा बोलले फास्ट आला मग ह्याने पुढे गेले आणि त्यानं बाहेर आलेले बुडाचा बसलंय हालचाल करू नका. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में. दोस्तों, वन्य जीवन संरक्षण के माध्यम से हम सांपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर रिलीज करने का काम करते हैं. दोस्तों, तो लातूर ज़िले के किल्लारी गांव में नितिन बोधने इनका खेत है, विपिन बोधने इनका खेत है, और खेत के अंदर एक सांप इन्होंने देखा था. तो सांप देख के हमें कॉन्टेक्ट किया, हम आए इस जगह पर. तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा गन्ने का खेत है, और ऐसे खेत में ज़्यादातर सांप एक ही निकलता है, वो है इंडियाज हाईली वेनमस रसल स्पाइपर, जो कि सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है दोस्तों. और यहाँ अंदर है, हम इसे पहले रेस्क्यू करेंगे और फिर उसके बारे में जानकारी देंगे दोस्तों. काफी बिग साइज में है दोस्तों, एक साइज रेगुलर साइज में है ये. हम इसे रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं. पाइप हलवाओ का हमको थोड़ा हलते बसते जरा पुढून जाओ आपण हलताय हल हल्ल्यावर काय होणार तुम्ही धरून का नाही नाही जरा हलका बरं राहू द्या तुम्ही राहू द्या तिने हलवाय छान एवढा तिकडे बाजार मी येऊ का तिकडे बाबा तुम्ही तिकडून या जरा पुढून तिथून या तिकडून क्लिअर दिसतो दोस्तों. ये जो सांप है ये ठंड के मौसम में ज़्यादातर गर्मी पाने के लिए, कभी कभी धूप खाने के लिए बाहर आ जाते हैं ये सांप. और ये काफ़ी दिन से यहाँ पर रहा होगा ये सांप, क्योंकि गन्ने के खेत में ज़्यादातर रसल वाइपर बहुत ज़्यादा मिलते हैं. आप देख सकते हैं इसके अंदर है, इसकी आवाज़ भी बहुत बड़ी होती है. और ये जो अगर यहाँ से निकल जाएगा तो फिर महंगा पड़ेगा, हम इसको बिना देरी के किए रेस्क्यू करेंगे दोस्तों. गवत नका नका, ही गवत आहे का? हां गजराज गवत आहे. मला तर ऊस असतो गवत आहे, मला गवत ऊस वाटतो, ऊसच वाटतो ना. ऊसाचं संकरच आहे ना हे की तिकडे घ्या पटांग तिकडे काय करा पलीकडे. दोस्तों आप देख सकते हैं एक रसल वाइपर और ठंडा पड़ा ही है ये, शायद धूप खाने के लिए यहाँ पर आया होगा. और ये सांप बहुत ही बिग साइज में होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं ये सांप ज़्यादातर, लेकिन इसका जो भयानक रूप होता है ये लोगों को पता नहीं है. ये सांप अगर बाइट कर लेता है दोस्तों तो बहुत ही भयानक मौत है इस सांप के अंदर, क्योंकि हीमोटॉक्सिन जहर होता है इसका. ज़्यादातर हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में इस सांप को परड़ के नाम से जाना जाता है. और ये सांप जो है फूंकता है तो शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ते हैं. हम बार बार एक ही बात बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये सांप फूंकता वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि
ये सांप एक कुकर की सीटी की सीटी की तरह आवाज करता है, क्योंकि लोगों को बताता है मेरे पास मेरे करीब मत आओ, मैं बाइट कर सकता हूँ, इसलिए वो डराता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। इसका जहर देख सकते हैं दोस्तों आप, येलो कलर में इसका जहर होता है दोस्तों। हम इसे अभी जल्द से जल्द पैक कर देते हैं दोस्तों। पूर्ण दात जवळ आला।